वेलकम टू आसान इनकी नम्बर पाकपो एक्सएल शीट पासवेड प्टक्ट पड़ी सपोज अंतवेड मरदी अब एपी नम्बर वो रेकवर पड़े अब पेलपो अद्क नम्बर चेनल सब्सक्राइब पकड़ बेल क्लिक पड़ूंग अब वीडियोस नोटिफिकेशन उड़े उड़े वो वांग वीडियो पोल सो ना सुनमारी एक्सएल शीट फर्स्ट ना पासवेड इन फर्स्ट ना पासवेड ओपन पड़ी तनिया और फोलडर पेको नहीं वर्कअट पड़क अंतले वो तनिया और फोलडर पेको असिया नम्बर वर्कअट पड़े सो ये नहीं पासवेड रिमूव पड़ो तनिया और फोलडर पेको शीट आक्चुअल पासवेडल उल्ले ना पासवेड प्रोटेक्ट शीट इत शीट वन राइट क्लिक पड़ी प्रोटेक्ट शीट पासवेड पड़े रेवा रिपीट पासवेड ना सेव पड़े क्लोज पड़े फैले क्लोज पड़े तुर ना ओपन पड़े वो पासवेड कंफर्म आती ना टाइप पड़ोना टाइप पड़ मुड़ा है पासवेड पटर सो अ पासवेड ना मरदे अब अभी शीट वो नम रेकवर पड़ना अब कटीना सो फर्स्ट वो नहीं पड़नों वो नम्बर एक्सएल फार्मेटन एक्सटेंशन और एक्सापल के ना क्लिक पड़े रईट क्लिक पड़ी प्रापी पड़े इत डाट एक्सएल एसएक्सन डाट एक्सएल एसएक्स वो अगर आटोमेटिका वरण आक्चुअल वादा उंगा वो फैल फार्मेट फर्स्ट मत मुझे आक्चुअल कामिक ना सिस्टम वो अब कामिका सो इत वो अब एक्सएल एसएक्स वरण अब फर्स्ट नहीं पड़ी विषय विंडो बटन प्रेस पड़े फोलडर आप्शन अब टूंग सर्च पाक्स फोलडर आप्शन फोलडर टाले मेल वं फोलडर आप्शन सो अ फोलडर आप्शन व्यून व्यूव इतवन हईड एक्सटेंशन फार नोन टाइप फैल्स और आप्शन टिकटें एटे ओके आटोमेटिका डाट एक्सएल एस एक्सन वह 2013 वर्षन अब डाट एक्सएल एस वो 2007 फार्मेटना एक्सएल एस अब सर इंब एपी पासवेड ब्रेक पड़े अब पाती एक्सटेंशन अगर वर्दमा एफ टू कुछ இந்த லாஸ்ட் 4 டிஜிட் மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணனும் டாட்க்கு அப்புறம் 4 டிஜிட் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து எடுத்துட்டு ஜிப் ஃபார்மட்டா ஃபர்ஸ்ட் கன்வர்ட் பண்ணிக்கோங்க ZIP கொடுத்துட்டு என்டர் அடிச்சிங்கனா அது என்ன ஆகும் ஃபார்மட்டை சேஞ்ச் பண்ணனுமா அப்படின்னு கேக்குது எஸ் னு கொடுத்துறேன் சோ சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஜிப் ஃபார்மட்டா இத நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணுங்க ஓகே னு கொடுங்க இதல எக்செல் னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இந்த எக்செல் ஃபோல்டர் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க இதல வொர்க் ஷீட்ஸ் னு இருக்கும் இதையும் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க இதிலே ஷீட் 1 ல தான் இப்ப நான் பாஸ்வேர்ட் போட்டுக்கிறது சோ இந்த ஷீட் 1 ஐ நீங்க என்ன பண்ணுங்க இதே ஃபோல்டர் உள்ளவே திரும்ப அதை ஏத்தி கொண்டு வந்து நீங்க வெளிய அப்படியே போட்டுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது எக்ஸ்ட்ராக்ட் சொல்வாங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வெளிய போட்டுட்டு இத நீங்க அப்படியே கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓபன் வித் அப்படிங்கற ஆப்ஷன்ல போயிடு நோட் பேட் அப்படிங்க கொடுங்க நோட் பேட்ல தான் நீங்க ஓபன் பண்ணனும் ஓபன் ஆனதுக்கு அப்புறமா பாஸ்வேர்ட பிரேக் பண்றதுக்கு கண்ட்ரோல் எஃப் அப்படிங்க கொடுங்க कंट्रोल एफ को प्टक्शन अब फैन पड़नों फैन पड़ी नेक्स्टन को फैन नेक्स्ट को प्टक्शन इतना सर्च आंदोम सो फैन पड़ उड़े अटक्शन हईलेटा पकड़े मुनाडे पाती ओपन आंगल शीट के मुना ओपन प्राकेट मारे ओपन आंगि करेक्टा अद्क मुना क्लिक पड़को अंत ओपन आंगल शिफ्ट पिछड़ी कीपोर्ड रईट एरो शिफ्ट पिछड़े रईट एरो फा सेलट आई क्लोज आंगल ये मुझे पाकनों सिनारियों वो पातीोसन वो इतक पकड़ क्लोज आंगल वो अंत वेड पाटीन स्टापाटें स्टापनिंग अगर ओपन प्राकेट के नहींकूड़ा सो क्लोज प्राकेट वे सेलेक्ट पड़े बैक स्पेस को पासवेड ब्रेक पड़ो ब्रेक पड़क क्लोज पड़ूंग क्लोज पड़ सेव पड़ोमान केव पेव पड़को तुरंत की जिप फॉर्मेट ओपन पड़े अपी पड़ी पड़ेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वि अभी सर कंट्रोल पिछड़ी एंटू सर ओकेन कोई क्लोज पड़ा ओके पेस्ट आई क्लोज पड़िड़ें इन फैल फार्मेट नहीं मैं एक्सएल को मतलब क्लिक पड़े एफ टू कुछ अंत जिप अट्ठे एक्सएल एस एक्स अगर फार्मेटे पाको अंत ना लेटर टाइप पड़ो एक्सएल एस एक्स और एंट्रेसिंग मतलब चेंज पड़ोमान कसन को फार्मेट मोड़े एक्सएल के चेंज आने ओपन पड़े सो ओपन आती नम्बा टाइप पड़म पासवेड अ ब्रेक पड़िड़े
இதே மாதிரி எத்தனை ஷீட் ஒரு ஒர்க் புக்கில் இருந்தாலும் அத்தனை ஷீட்டுக்கும் பாஸ்வேர்ட் போட்டு வச்சுருக்காங்கன்னா எல்லா ஷீட்டுடைய பாஸ்வேர்டும் சேம் கான்செப்டில் இப்போ நான் எப்படி ஷீட் ஒன்னில் போயிட்டு பாஸ்வேர்ட் பிரேக் பண்ணணும், அதே மாதிரி நாலு ஷீட்டுமே அங்கே காமிக்கும். மூணு ஷீட் நாலு ஷீட்னா நாலு ஷீட்டுமே காமிக்கும் அந்த ஜிப் ஃபார்மெட்டில். அந்த நாலுத்தையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸலுலேயே ஓப்பன் வித் நோட் பேட் உள்ள போயிட்டு நீங்கள் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்து ப்ரொடக்ஷன் ஃபைன் பண்ணி அதை அந்த பாஸ்வேர்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆப்ஷனை பிரேக் பண்ணுற ஆப்ஷனை எடுத்துகிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் அதே மாதிரி சேவ் பண்ணி நீங்கள் பேக் வரணும். ஒரு ஒன்றுக்கும் சேம் கான்செப்ட் தான், ஆனால் நாலு ஷீட் இருக்குன்னா நாலு ஷீட்டுக்குமே நீங்கள் அந்த விஷயத்தை பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த விஷயம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் கண்டினியூஸாக பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.